नमस्कार मैम। मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ भारी बर्फबारी हो रही है। आज 1 से 3 फुट बर्फ गिरने की उम्मीद है। पिछले 3 या 4 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम खत्म हुआ जो यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूतावास के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम जल, स्वच्छता और महिला कल्याण के बारे में था। वो इन तीनों को आपस में जोड़ना चाहते हैं। कल विश्व जल दिवस है और वो जल संरक्षण के लिए 10 सालों यानी 1 दशक की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। जल संरक्षण और जल को स्थायी विकास लक्ष्यों के एक अहम हिस्से की तरह देखा जा रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण पैनल का हिस्सा हूं। सभी प्रमुख लोग इसमें शामिल हैं। इसमें 10 सालों की कार्रवाई की योजना बनाई गई है कि हमें क्या करने की जरूरत है और लोगों को इससे कैसे जोड़ें। नदी अभियान के जरिए हम दुनिया में ये जागरूकता ले आए हैं कि जन आंदोलन के बिना वास्तव में कोई हल नहीं है। सरकार कुछ चीजें कर सकती है, कुछ चीजें कंपनियां कर सकती हैं, व्यक्तिगत स्तर पर लोग और गैर सरकारी संगठन प्रयास कर सकते हैं। ये सब उपयोगी है, मगर सामूहिक तौर पर लोगों को शामिल किए बिना वास्तव में कोई समाधान नहीं हो सकता। This has gone home very well with Rally for Rivers and that's why we are here. नदी अभियान से ये संदेश पहुंच गया है, इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। कल संयुक्त राष्ट्र में एक दिलचस्प पैनल चर्चा होगी जो भारतीय मिशन नहीं संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होगी। फिलहाल मैं आपको बाहर की कुछ तस्वीरें भेज सकता हूँ। The snow is coming down pretty heavy. बर्फ काफी तेजी से गिर रही है। सभी स्कूल बंद हैं, परिवहन ठप है, ज्यादातर टैक्सियां नहीं चल रही हैं, ऊबर काम नहीं कर रहा। इन सब के बावजूद आज हॉल पूरा भर गया और आज की बैठक में भाग लेने वाले अलग अलग तरह के लोगों से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। ये संदेश बहुत साफ तौर पर पहुंच गया है कि नदी अभियान जल समाधान का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। आज की बैठक में भी मैंने इस बात पर बल दिया कि अगर हम पानी के लिए समाधान चाहते हैं, अगर हम हर किसी के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हमें एक महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी कि पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जंगल होने चाहिए। अगर जंगल संभव ना हो तो कम से कम पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधों के बिना दुनिया के ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय भाग में पानी की जरूरी मात्रा नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के टेम्परेट यानी समशीतोष्ण हिस्से में बर्फबारी होती है। जैसा कि अभी न्यूयॉर्क सिटी में भारी बर्फबारी हो रही है, इसी तरह समशीतोष्ण देशों या दुनिया की समशीतोष्ण जगहों में हर कहीं ऐसा होता है। 2 से 3 महीने तक बर्फ जमीन पर रहती है और धीरे धीरे जमीन में रिस्क कर जमीन के अंदर के सभी जल स्रोतों वगैरह को भर देती है। मगर भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश में सिर्फ 45 से 50 दिन ही बारिश होती है। 45 दिनों में जो पानी गिरता है उसे हमें पूरे 365 दिनों के लिए बचाना होता है। ऐसा तभी होगा जब जरूरी हरियाली और मिट्टी में ढेर सारा जैविक तत्व हो। इसलिए ये मुद्दा बहुत अच्छी तरह समझ लिया गया है और बड़े पैमाने पर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में नदी अभियान के बाद अब गंभीर प्रयास चल रहे हैं। कई राज्य बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। कर्नाटक 25 करोड़ पेड़ लगा रहा है, महाराष्ट्र 50 करोड़ पेड़ और तेलंगाना 95 करोड़। आंध्र प्रदेश अपनी 50% खेती की जमीन को बागवानी में बदलने की बात कर रहा है और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी में वृक्षारोपण की बड़ी योजनाएं हैं जिसका हम भी एक हिस्सा होंगे। तो इतना सब कुछ हो रहा है और इसके लिए उन सभी लोगों को धन्यवाद। ये सब उन लाखों लोगों की बदौलत हो रहा है जिन्होंने नदी अभियान में हिस्सा लिया, खास तौर पर नन्हे स्कूली बच्चे जिन्होंने नदी अभियान के लिए बहुत उत्साह के साथ सब कुछ किया। हर एक वॉलंटियर और अभियान में भाग लेने वाला हर कोई जिसने इसे संभव बनाया। आज दुनिया भर में इस दिशा में एक आंदोलन शुरू हो गया है। हर कोई समझता है कि 33 डिग्री अक्षांश तक सबसे महत्वपूर्ण चीज वनस्पति है। प्रकृति में ये चीज बहुत अच्छी तरह स्थापित है, मगर दुनिया में इसे लेकर एक तरह की गलतफहमी थी या इसकी बहुत आलोचना हो रही थी। लेकिन आज भारत सरकार, भारत के कई राज्यों और संयुक्त राष्ट्र, दुनिया के संगठनों में भी ये बहुत स्पष्ट हो गया है। कल एक दिलचस्प पैनल चर्चा होगी। कल मेरा पूरा दिन संयुक्त राष्ट्र में बीतेगा।
आप में से हर वो व्यक्ति जिसने नदी अभियान में हिस्सा लिया, इतने सारे रूपों में इसका समर्थन किया, अपनी मौजूदगी से या सिर्फ दिल से, हर तरह से आपने इसमें समर्थन दिया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक तरह से ये एक समाधान की तरफ बढ़ रहा है। समाधान बहुत करीब नहीं है। अगर हम अभी सही दिशा में काम करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे 2-3 दशकों में समाधान होना शुरू होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब इसके लिए प्रतिबद्ध और समर्पित रहें, क्योंकि हम एक तरह से पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी भावी पीढ़ी का हक है। ये एक हफ्ते या 1-2 साल में होने वाली चीज नहीं है। इसमें कुछ दशक लग जाएंगे, अगर कई दशक नहीं तो इसके नतीजों को सामने आने में कम से कम 1-2 दशक तो लग ही जाएंगे। इसीलिए कृपया इस दिशा में लगे रहें। ये पक्का करें कि हम इस दुनिया से जाने से पहले भावी पीढ़ी को एक हरी भरी और पानी से भरपूर धरती सौंप कर जाएं। हमें ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे बाद आने वाले जीवन का अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि हमारा इस धरती पर थोड़ा समय बचा है, हमें इस धरती से सब कुछ छीन लेने का कोई हक नहीं है, मगर हमारी जीवन शैली, हमारा अस्तित्व, हमारी तकनीकें, हमारी जरूरतें, हमारी बाजारी जरूरतें, आर्थिक जरूरतें कई गुना बढ़ गई हैं। हम सब कुछ एक झटके में बदल नहीं सकते, मगर हम एक चीज कर सकते हैं, ये पक्का करना कि धरती पर पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे हों, ताकि हम चाहे कुछ भी उल्टा सीधा करें, धरती उसे सहन करने लायक रहे। ये समझना जरूरी है कि इस धरती पर इंसान को छोड़कर हर दूसरा जीवन इको फ्रेंडली है। मनुष्य की आबादी इतनी हो गई है कि बाकी सभी जीवन, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब बड़े पैमाने पर पीछे हट रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। एक निराशाजनक तस्वीर हर कहीं घूम रही है कि लाखों सालों से दुनिया में मौजूद एक प्रजाति सिर्फ हमारी वजह से, आपके और मेरे जैसे इंसानों के कारण समाप्त हो गई। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम हर दूसरे प्राणी के लिए पर्याप्त जगह बनाएं, क्योंकि वही असली पर्यावरक रक्षक हैं। आप जो कीड़े मकोड़े देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, जिन पेड़ों को देखते हैं, यही पर्यावरण के असली रखवाले हैं। हमें बस उनके लिए जगह बनानी है। यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पेड़ लगाते हुए और अपनी कृषि से कम एक हिस्से को पेड़ों पर आधारित खेती में बदलकर उनके लिए रहने की पर्याप्त जगह बनाएं, तो समाधान इसी में है। सबसे पहले हमें इस गलत फहमी को मिटाना होगा कि इकोलॉजी हमारी इकोनॉमी के खिलाफ है। नदी अभियान का बुनियादी लक्ष्य यही है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी साथ साथ चल सकते हैं। हमें बस अपनी इकोनॉमी को अधिक सौम्य और अधिक समावेशी तरीके से चलाना सीखना है, जिसमें इस धरती के सभी जीवन शामिल हों। तो मेरे साथ रहिए। कल का दिन नदी अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में कई चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और नदी अभियान की सिफारिशें धरती के सभी ट्रॉपिकल देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को इसमें काफी उत्सुकता है। देखते हैं कि ये कहां तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। काश आप इस शानदार बर्फबारी को देख पाते जो आज यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हो रही है। This fantastic snowfall that's happening in New York City today.